आप में से बहुत सारे लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि मत डर बाइबल में 365 बार आता है, यानी कि पूरे एक साल में प्रतिदिन के लिए एक एक है ना। सो हे बिलीवर्स, मैं हूँ डेनिस लाल मसीह और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी। और आज हम यह जानेंगे कि क्या यह सही है कि बाइबल में 365 बार मत डर आता है। तो आपका स्वागत है आज के इस मिथ बस्टर वीडियो में। जैसा कि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि बाइबल में 365 बार मत डर यानी कि फियर नॉट लिखा है, जो कि प्रतिदिन के लिए एक होगा क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। पर मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि यह फैक्ट या यह कथन पूरी तरीके से सही नहीं है। असल में जो मत डर या फियर नॉट जो वाक्य या शब्द है वह बाइबल में केवल 106 बार ही लिखा है, और साथ ही उसके कुछ एनोनिम्स या पर्यायवाची भी हैं, जैसे भयभीत ना हो, व्याकुल ना हो, जैसे और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि डू नॉट वरी, डू नॉट बी एनेक्सियस, इस तरह के वाक्य हैं जिनका सीधा अर्थ मत डर जैसा ही है। किंतु अगर हम इन सभी को भी गिन ले, इनको भी अगर मत डर के साथ अगर हम शामिल करें, तब भी इनकी गिनती केवल 146 बार ही होती है। मतलब बाइबल में फियर नॉट जैसा वाक्य, मतलब उससे रिलेटेड जो वाक्य है वह केवल 146 बार ही लिखा गया है। पर यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो शब्द डर है, मतलब जो फियर शब्द है, वह बाइबल में 365 बार आता है या फिर इससे अधिक बार बाइबल में जो डर शब्द है वह लिखा गया है। सो अगर हम इसे देखें एक नज़रिए से, तो प्रतिदिन के लिए हमें एक बार जो डर शब्द है वो हम ले सकते हैं। सो इस प्रकार यदि हम प्रतिदिन के लिए एक डर को भी लेकर चले तो यह कथन भी सही हो सकता है। किंतु जो मत डर जो शब्द है या जो वाक्य है वह केवल 146 बार ही आता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रतिदिन के लिए परमेश्वर की ओर से यह एक रिमाइंडर है कि अपना दिन निडर होकर बिताए, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो अगर आप वो सारे फियर नॉट या डू नॉट फियर जो लिखा हुआ, जो बाइबल के अध्यायों में लिखा गया है, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको वो कमेंट में पिन कर दूंगा या उसका डायरेक्ट लिंक मैं आप सबको पढ़ने के लिए दे दूंगा। सो आप जान चुके हैं कि बाइबल में 365 बार मत डर शब्द नहीं आता, केवल जो डर शब्द है वही 365 बार या उससे अधिक बार आता है। सो यहाँ पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वचन है जो आपको निडर बनाता है या आपको बलवंत करता है। जरूर से आप अपना फेवरेट वचन या अपना पसंदीदा वचन कमेंट करके बताएं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया, और इसी तरह के और भी मिथ बस्टर वीडियोस और क्रिश्चियन नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।